एवरीवन स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, पहले हम लोग स्क्वायर्स पढ़ेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। जैसे कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है उसकी पावर 2 है तो उसे स्क्वायर बोला जाता है। तो 2 पावर है मतलब इसका मतलब यह है कि 2 × 2 तो आंसर आएगा 4, इसे स्क्वायर बोला जाता है। फिर ऐसे हम लोग 4 की ले लो तो 4 का स्क्वायर 4 × 4 तो आंसर होगा 16। ऐसे कोई भी नंबर ले लो और उसकी पावर अगर 2 रखो तो उसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, व्हेन द एक्सपोनेंट यानी कि पावर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज 2 द नंबर सो ऑब्टेन इज कॉल्ड द स्क्वायर नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि अगर ये देखिए 1 का स्क्वायर है तो जो नंबर ऑब्टेन हुआ है इसे परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, ऐसे इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। वैसे ही 2, 4 अगर चेक करना हो कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे कि नंबर है 1414641, ठीक है, अगर ये नंबर है, अब इस ये पहले तो ये जा रहा है 11 से, तो 11 से ही करेंगे कि फिर इसका आंसर आ जाएगा 1331। डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं आपको तो आपको पता चले परफेक्ट स्क्वायर यानी कि क्या है। 1, 2, 1 फिर 11 फिर 11, ये देखिए। अब देखिए अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये देखना है तो ये देखिए इसके ग्रुप बन रहे हैं। अगर ऐसे ग्रुप बन रहे हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा नंबर देखें कि 7688 ये नंबर है, ये इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ये देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, इसका ग्रुप बन रहा है लेकिन 2 का नहीं बन रहा, फिर इसका बन रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर इसे नहीं कहा जाएगा। इसे ऐसे ग्रुप बनने चाहिए, अगर एक नंबर भी ऐसा बच जाए तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाता। अब है कि परफेक्ट स्क्वायर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो एंड होगा 0, 1, 4, 5, 6 और 9। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो एंड यूनिट प्लेस होगा उसमें ये नंबर्स होंगे। अगर उसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, अगर कोई भी नंबर गिवन है 1057, अगर आपको पहचानना हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है तो इसके यूनिट प्लेस पे 7 है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी काम आती है। फिर है नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर एक नंबर, इफ अ नंबर एंड्स विद 1 और 9 एट द यूनिट प्लेस देन इट स्क्वायर एंड्स विद 1। अगर कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा उसके यूनिट प्लेस पे तो वो स्क्वायर एंड्स होगा 1 से। जैसे कि अगर 31 नंबर है तो 31 का हम लोगों को, तो यहाँ पे इसके स्क्वायर है 31² = 1² तो वहां पे 1 से एंड होगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट नंबर इसमें है कि 4 और 6 से अगर किसी के यूनिट प्लेस पे तो उसका स्क्वायर एंड होगा 6 से। अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 4 और 6 है तो उसका जो स्क्वायर है वो एंड होगा 6 से। ठीक है, फिर है कि अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि कोई नंबर ले लिया, अब इसमें 3 0 है तो ये ऑड नंबर हो गया, तो ये ऑड हो गया ना, ऑड जीरोस, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 है, 4, 5 कर लिए तो भी ये ऑड हो गया तो ये भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। फिर है फोर्थ प्रॉपर्टी, बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर n एंड n+1 देयर आर 2 n
परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, यानी कि बोल रहे हैं कि अगर n है और n प्लस 1 है तो इसके बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, जैसे कि नंबर है 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये नंबर है। तो ये n ले लिया 4 और यहाँ पे 4 प्लस 1 यानी कि 5, यानी कि 5 का स्क्वायर आ गया। तो अब क्या करेंगे कि जो भी 2n लेंगे, यानी कि n की वैल्यू तो 4 ही है, तो 2 इंटू 4 कर देंगे यानी कि 8। तो इन दोनों के बीच में 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, जैसे कि इसका स्क्वायर होता है 16 और इसका 25, तो इनके बीच कितने होंगे, 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। तो 17, 18, 19, 20, 21, तो वो पूरे 8 होते टोटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि इवन नंबर्स का स्क्वायर ऑलवेज इवन होता है और जो स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद है सिक्स्थ प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सिड्स अ मल्टीपल ऑफ 3/1। अगर कोई भी नेचुरल नंबर है जो उसका स्क्वायर है, उसका जो मल्टीपल होगा वो तो 3 होगा, आइदर मल्टीपल ऑफ 3 होगा या फिर उसको एक्सिड करेगा बाय 1, वैसे ही ये प्रॉपर्टी है। फिर सेवेंथ प्रॉपर्टी है, वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत अच्छी भी प्रॉपर्टी है कि द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर एंडिंग विद 5, जैसे कि 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि 2 इंटू 3 करेंगे और यहाँ पे 100 से, ये एच यू एन लिख रही हूं मैं, सिर्फ 100 से प्लस 25 कर देंगे। तो देखिए 2 इंटू 3 यानी कि 600 प्लस 25 यानी कि 625, ठीक है, 20, जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 है उनके लिए बात हो रही है, ठीक है, वैसे ही 2 इंटू 3 किया है। फिर इसके बाद इसमें आएगा 3 इंटू 4, फिर वापस 100 प्लस 25। अब ये देखिए 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4 और यहाँ पे 4 इंटू 5, ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी और यहाँ पे ये 100 प्लस 25। अब ये देखिए 4 3 जा 12, तो 1200 हो गया, 1200 प्लस 25, तो 1225, ये 35 का स्क्वायर निकल गया। फिर है 4 इंटू 5, 20 प्लस 25, तो 2025, ये इसका 45 का स्क्वायर निकल गया। ऐसे आप जितने भी आगे जाना चाहे जा सकते हैं। फिर उसके बाद है सेवेंथ प्रॉपर्टी, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर, यानी कि अगर कोई भी जो सम है नेचुरल नहीं ऑड नेचुरल नंबर जो ऑड है तो उसका एन स्क्वायर आएगा। फर्स्ट ऑड नंबर इज 1 तो उसका 1 स्क्वायर आ गया। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स 1 प्लस 3 यानी कि 4, वो 2 का स्क्वायर होता है। ये ऐसे ये आप खुद बुक में रीड करेंगे प्रॉपर्टीज, अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुकी, एक बार रीड करके इसके एग्जाम्पल सॉल्व करिए आपको अच्छे से आ जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1। स्टूडेंट्स अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इजी है और प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे ही है। फर्स्ट है शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि इन्होंने नंबर दिया है 5 4 4 7 3, फिर उसके बाद है 4 0 5 8, फिर है 2 4 2 5 7 और फिर है 3 3 2। अब इसमें से ये बताना है कि ये लोग नॉट परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं। तो आपको मालूम है जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो 2 3 7 8 से एंड होते हैं। ये प्रॉपर्टी 1 में सीखा था हमने, तो ये 3 से एंड हो रहा है, ये 8 से, 7 से और ये 2 से, तो तीनों नंबर है, तो इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। फिर है सेकेंड क्वेश्चन, वॉट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जैसे कि नंबर दे दिया है 1 2 3 4 4 3 2 9। अब ये देखिए, अब इनके जो स्क्वायर्स हैं, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब जो इनके स्क्वायर्स हैं इनके यूनिट डिजिट बतानी, यानी कि वंस प्लेस का बताना। तो ये भी हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या है, 6, तो इसकी भी 6 आ जाएगी। फिर 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसकी यूनिट डिजिट 1 है, तो इसकी भी 1 आ जाएगी। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। फिर है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन,
क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एंड विद द डिजिट वन. यानी कि इन्होंने नंबर दिए हैं 37 का स्क्वायर, 321 का स्क्वायर, 549 का स्क्वायर और 427 का स्क्वायर. ये दिए हुए हैं नंबर. इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एंड विद द डिजिट वन. जब इनका स्क्वायर निकालेंगे तो कौन से नंबर की डिजिट में एंड होगा वन से. तो ये भी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं जिसमें वन और नाइन यूनिट प्लेस पे है उनका वन से ही एंड होगा. तो इसके यूनिट प्लेस पे सेवन है तो ये नहीं आएगा. इसके यूनिट प्लेस पे वन है तो यस इट एंड्स विद वन. तो ये नाइन है तो हाँ ये भी होगा वन से एंड होगा. ये सेवन तो इसका नहीं होगा. ऐसे सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज लगाते जाने और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फिर है कि डिटरमाइन वेदर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑड और इवन. तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे क्योंकि इसमें बताना है कि इन नंबर्स के स्क्वायर है वो ऑड होंगे कि इवन होंगे. जो इवन नंबर उनके इवन आएंगे, ऑड है उनके ऑड ही आएंगे. फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर. अब 25 और 26 इनके बीच कितने नेचुरल नंबर आएंगे. तो ये क्या है एन और एन प्लस वन. तो इसमें क्या लगेगा 2n, यानी कि 25 × 2 तो कितना आंसर आया 50 नेचुरल नंबर्स आएंगे. ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा. फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन. तो इसमें है 65, 95 और फिर है 205. अब आपको इसका तरीका मालूम ही है कि उसमें हम लोग तो देख रहे थे कि 2 × 3, 3 × 4 ऐसे क्या था. तो इसका स्टार्ट किससे हो रहा है 6, तो 6 × 7 करेंगे. ठीक है, हंड्रेड्स प्लस 25 इज इक्वल्स टू, तो क्या आ जाएगा कि 6 × 7 होता है, यहाँ पे 65 है सॉरी, तो यहाँ पे ये है तो 6 है, यहाँ पे तो 6 से ही लिया है, तो 6 × 7 यानी कि 4200 प्लस 25, तो यहाँ पे 25. वैसे ही 9 है यहाँ पे, तो इसके बाद क्या आएगा 9 × 10 आएगा, तो 9 × 10 कितना होता है 90. फिर 25 प्लस कर दो 20, फिर 20 × 21 करेंगे और प्लस 25 करेंगे, तो ऐसे आपका ये आंसर निकल जाएगा. अब नेक्स्ट हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ेंगे, लेकिन ये जो एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी आ रही है वो लिख देना नीचे कि इसमें ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है. अगर प्रॉपर्टी वन यूज हो रही है तो उस क्वेश्चन में लिख देंगे कि प्रॉपर्टी वन यूज हो रही है यहाँ पे. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इसमें बोला है कि ए बी सी कोई नंबर है, तो उसमें जो सी है वो ए से ग्रेटर है और बी से भी ग्रेटर है, तो सी स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा. तो ए बी सी क्या हो जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे. फिर है अगर एम ग्रेटर देन वन है तो उसमें 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आएगी. ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं, एक ये फॉर्मूला और उसकी ये कंडीशन और दूसरा ये फॉर्मूला और उसकी ये कंडीशन. अब ये देखिए हम लोग ये अप्लाई कैसे करते हैं, ये एक्सरसाइज में ही पढ़ लेते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 3.2 में ही इसी के क्वेश्चंस अप्लाई किए गए हैं, यही मेथड अप्लाई किया है. फर्स्ट है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8. पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखनी है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 8 है, तो वो 8 नंबर हम लोग ले लेंगे 2m से, तो ये 8 है, तो m क्या निकल गया, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, फिर ये आएगा एम स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 यानी कि 15. ठीक है, ये आ गया. फिर है एन स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1 17, तो आंसर आ गया 17. तो हमें नंबर क्या मिले 15 एक मिला, एक 17 मिला और एक m की वैल्यू 4 मिला और 2m का था वो 8 हो गया था. तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप.
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 12। वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करनी है जिसका एक मेंबर है 12, एक ही मेंबर दिया हुआ है, तो वो 2m इज इक्वल्स टू 12 करेंगे। लेट 2m इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे हमारे पास m क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, देयरफॉर m इज 6, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस 1 यानी कि 35। फिर है m का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि m का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37, तो ये ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, आप खुद से करेंगे। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है इज 10, 24 एंड 26 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या 10, 24 और 26 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है ये बताना है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। ये देखिए, इसको सी ले लिए तो यहाँ पे ये आ जाएगा 26 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सी का स्क्वायर था, रुक जाओ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले, तो यहाँ पे फॉर्मूला है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। तो ए के ले लिया हम लोगों ने 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर। कंडीशन क्या थी, सी ए से भी ग्रेटर होना चाहिए और सी बी से भी ग्रेटर होना चाहिए, तो सी यहाँ पे 26, 24 और 10 दोनों से ही ग्रेटर है। अब देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, 576 ही होता है 24 का स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर होता है 676। तो ये देखिए, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे मिल जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो सी ही निकलेगा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। थैंक यू।